केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जी। माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। क्या? ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। अरे भाई, सर्जन को बुलाना पड़ेगा, 5-6 हजार का खर्चा है। 5-6 हजार? कौन देगा मुझे 5-6 हजार? मैं दूंगा। अरे लक्ष्मण, पहचाना नहीं तुमने मुझे? मैं करमदास यार, कर्मा। अरे कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे ना, कमाल है तुम्हारी याददाश्त भी। अच्छा, याद आया ना? हाँ। अरे मुसीबत के वक्त एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर किस काम आएगा? तू घबरा नहीं, पैसे मैं दूंगा। बोगा ये लीजिए। ये लो दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान वैसान भूल जाओ यार, जाओ जाकर अपनी बीवी की जान बचाओ, जाओ। थैंक यू दोस्त, जाओ जाओ। थैंक यू। ये आपने उसे इतने रुपए क्यों दे दिए? तुम नहीं समझोगे, इसीलिए तो तुम हो और मैं हूं। चलो लक्ष्मण जी, मुबारक हो। थैंक यू डॉक्टर। लड़का हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है। पांच छह आदमी ट्राई कर चुके लेकिन तिजोरी नहीं खुली, आपके हाथ में जादू है। अरे भाई लक्ष्मण। अरे कैसे हो? अरे यार मुसीबत में हूँ और तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ देने आया हूँ। यार तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। नहीं, तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हुनर की जरूरत है। वो मेरी गाड़ी की चाबी खो गई है यार। चाबी खो गई है? अरे वो तो एक मिनट का काम, स्पेशल लॉक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये साथ में जादू है, ये हाथ लगते ही हर ताला खुल जाता है। ये गाड़ी है? हाँ यार। हाँ। वाह क्या गाड़ी है। अरे यार गाड़ी की तारीफ बाद में करना, पहले खोल तो दो इसे यार। वाकई में आप अपनी किस्मत का ताला छोड़कर हमारी किस्मत का ताला खोल। जैक्सन, जैक्सन चाय इनको जल्दी छोड़ के आ। हाँ, अच्छा यार मैं चलता हूँ, तुम्हारा काम बन गया। वेरी मच। मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। जाना माता, मैं आता हूँ। जा जा जा। क्यों हमारे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे देखते क्या हो, इंस्पेक्टर साहब मैं बर्बाद हो गया, मेरे 25 लाख के हीरे चोरी हो गए। ये जैकिशन कहाँ रह गया? बस आता ही होगा जी। मेरे हिस्से में बस इतना ही? तुम बड़ी लालची हो, ये सारा प्लान मेरा है और इसके लिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब 6-7 साल तक ऐसा हाथ मारने की कोई जरूरत नहीं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Shankar, happy birthday to you. चलो चलो बेटे, एंजॉय करो, डांस करो, चलो चलो डांस करो। Happy birthday to you, Karma यार। भाई बच्चे की सालगिरह आप दोनों को मुबारक हो। अरे थैंक यू कहाँ थे यार इतने सालों के बाद? अरे यार हांगकांग चला गया था। अच्छा अच्छा। पिछले हफ्ते लौटा हूँ, लेकिन सर मुंडाते ही ओले पड़े। क्यों, क्या हुआ? लगता है आज की रात कहीं होटल में गुजारनी पड़ेगी। आखिर हुआ क्या है? अरे भाई क्या बताऊं? हाँ। ये हमारी श्रीमती जी है ना। अरे भाभी जी नमस्कार, आइए आइए। इन्होंने घर की चाबियां घुमा दी हैं। क्या करूं भैया, मेरा दिमाग ही कुछ ऐसा भुलक्कड़ है, न जाने कहाँ रख दी मैंने चाबियां। आज की बात थोड़ी है, हर रोज का यही रोना है तुम्हारा। क्यों बिगड़ते हो, सॉरी भी तो बोल दिया। सॉरी कहने से हो जाता क्या सब? यार खामखा क्यों झगड़ते रहते हो, मैं हूँ ना।
कर्मा यार तुम चाबियां बहुत गुम करते हो। क्या बताऊं यार, कभी मेरी वजह से और कभी श्रीमती की वजह से। ये देखो यार, खोलो इसे। ये हाँ। अच्छा अच्छा, खोल दिया ना यार, लाइट तो ऑन करो। वाह वाह, ये क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम चोरी कर रहे हो क्या? चुप है। नहीं नहीं, ये सब मैं होने नहीं दूंगा। अरे मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? ए? अरे कौन हो, कैसे आए, कहां से आए? अरे ये सेठ जान की दस का घर है। अरे चोर, अरे तुम तो चोर, चोर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो चोर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम तो चोर, चोर, अरे चोर हो, तुम तो चोर हो, अरे डाकू हो। अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या कहा? मैं खूनी का बेटा हूँ। हाँ हाँ बोलूंगा, हजार बार बोलूंगा। तेरी तो हाँ। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए लक्ष्मण वल्द उमा शंकर को दफा 302 ताजिरात हिंद के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। क्योंकि मुजरिम का ये पहला जुर्म है, इसलिए उसे फांसी की सजा न देकर उसे 14 बरस कैद व मुशक्कत की सजा दी जाती है। अरे तू काय को रात रात भर घर के बाहर रहता है, काय को अपनी अंधी माँ को दुख देता है रे तू? अरे तू रमैया नहीं है, फिर कौन है रे तू? शंकर। शंकर? अरे अरे जा बेटे, बीमार पड़ जाएगा, जा जा अपने घर जाके सो जा। हाँ मेरा कोई घर नहीं है। क्या? आ आ अंदर आ, अंदर आ, आ। अरे अरे कितना भीग गए तू? और बेटे शंकर, तेरा कोई नहीं है कह रहे? मेरी माँ मर गई। देवा मेरे पिताजी जेल चले गए। बेटा बेटा तूने खाना खाया? नहीं, 3 दिन से मैंने
कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया? बैठ बैठ, तुझे मैं खिलाती हूँ। बैठ बैठ, मेरे मेरे रमैया का रखा हुआ है, मालूम नहीं रमैया आएगा कि नहीं, लेकिन तू खा ले बेटे। हाँ तू खा ले। क्या क्यों सो रहा है? ए, कौन है तू? मेरे घर में घुस के मुझे ही पूछता है कौन है तू? अच्छा ये तेरा घर है? मुझे तो माँ जी ने लाई। मेरे अंधी माँ को उल्लू बना के घर में घुस गया। ए, मैं चला जाता हूँ। मैं शर्ट निकाल, तेरी तो उतारता हूँ उतारता हूँ। ये ले। अबे मुँह क्या देखता है, चल भाग। मेरे भाजी के, मेरे भाजी की खरीदारी के, मेरे भाजी की खरीदारी के पैसे। सड़क छाप हाँ मैं सड़क छाप हूँ, हाँ मैं सड़क छाप हूँ, राह की धूल हूँ या सितारा कोई दुनिया में किसको पता। हाँ मैं सड़क छाप हूँ, हाँ मैं सड़क छाप हूँ, रास्तों पे कटी उम्र सारी मेरी, सड़कों पे घर है मेरा। हाँ मैं सड़क छाप हूँ, हाँ मैं सड़क छाप हूँ। Thank you.
को दिए, क्या क्या जहर मैंने दिन रात हंस के पिए। ये खेल है तकदीर का, क्या जुल्म संसार का। हाँ मैं सड़क छाप हूँ, हाँ मैं सड़क छाप हूँ, राह की धूल हूँ या सितारा कोई, दुनिया में किसको पता। हाँ मैं सड़क छाप हूँ, हाँ मैं सड़क छाप हूँ, रास्तों पे कटी उम्र सारी मेरी, सड़कों पे घर है मेरा। क्या बात है बड़ो, तेरे को भी कुछ दुख है क्या? हाँ कह रहे ले, दारू पी ले, सब ठीक हो जाएगा। एक बात है बड़ो, तू भी सड़क पे, अपन भी सड़क पे, तेरा भी कोई नहीं, अपन का भी कोई नहीं, मगर तेरे को ये नहीं मालूम कि तेरा माँ बाप कौन है। अपन को मालूम है कि अपन का माँ बाप कौन है, देखेंगे क्या रे? हाँ देखेगा, आ जा बैठ रास्ते। माँ ऐसा होता, इसके अलावा, इस फोटो के अलावा अपन का कोई नहीं है बड़ो, समझा ना, अपन का कोई ना है। अरे पोरगा, आई काय को ऐसी बात करता है रे? मैं तेरे कोई नहीं है क्या? अरे नहीं आई, तू तो अपन का सब कुछ है, ऐसी बात करता है इससे? फिर काय को नहीं आया घर को, आंधी हूँ ना, ढूंढ भी नहीं पाती। क्या बात कर रही है आई, जब भी अपन को भूख लगा है ना माँ, तूने अपन को खाना खिला दिया, अपन का पोल भर दिया। अरे अरे, एक माँ अपने बेटे को कैसे भूखा सोने देगी? जब तू बाप बनेगा ना, तो तुझे पता चलेगा औलाद क्या होती है। काश ये बात अपन के बाप को भी समझ में आ जाता, तो आज ये शंकर सड़क छाप नहीं बनता। नहीं बेटे, जरूर तेरे बाप की भी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो एक बाप अपने बेटे को ऐसे लावारिस कैसे बनाएगा? हाँ बोल। जलर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? अरे इतना बड़ा शहर है, इतने साल गुजर गए, कहाँ मिलेगा वो? पता नहीं इस वक्त कहाँ है मेरा बेटा। चल भिड़ो, चल चलते रहे, रुकना मत, मगर संभल के चल, यहाँ पर खुदाई बहुत होती है। हाँ अरे ए छोटू, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? रुक क्यों रहा है? मैं माँ की दवाई लाने गया था, तो बीच सड़क में वो पहलवान ने मुझे पकड़ा और मुझसे कहा चल जुआ खेल, नहीं तो मारूंगा, और मैंने सब माँ की दवाई का पैसा छीन लिया। कितना? 30 रुपए। ठीक है बेटे, तू जा, मैं पैसे लेकर आता। उस्ताद तुम्हारी किस्मत वाज जो थे। चल बड़ो अपना भी बांट। सड़क छाप, अरे आज लफड़ा है कुछ। हाँ दो नंबर टेबल पे रख, चारना ब्लेंड। पैक 254 ब्लैंक पैक। मेरा रुपया। मेरा भी बैग। 2 रुपया। मेरा भी 2 रुपया। 8 रुपया। 8 पे शो करो। 2 दूरी। 2 रानी। हाँ 2 रानी। हाँ तू क्या बोलता बे? हाँ 2 रानी। रुक जा, पैसे देके जा। हम पैक। क्या हुआ बड़ू? कुछ नहीं। 2 रुपया। मेरा भी 2 रुपया। 10
दस मेरा और दस, दस और दस, शो कर दस पे। एक का दुगी टिगी। आहा, तीन बादशाह। क्यों बड़ो अपन झूठ बोल रहे ला? नहीं, तीन बादशाह है ना, तू क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, तीन बादशाह। क्या हुआ? पहले पत्ते दिखाओ। एक बादशाह, दो बादशाह और तीसरा। अबे ओ सड़क छाप, तेरी उल झपल सड़क भी चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी। चुप है शान है। तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, तूने वो बच्चे को सेंडी लगाया, अब उन्हें तेरे को लगाया, मामला फिट्टूस। दस पीस तीस, ये माल अपन का, बाकी के पास कल तू रख लेना। अंजू, अरे अंजू, काय को चिल्ला रहा है? अरे अंदर नहीं आना, मैं कपड़े पहन रही हूँ। इतनी रात को जहाँ बड़े बड़े 30 पैसा लेके जाने को डरते हैं, तूने अपने छोटे भाई को 30 रुपए देके भेज दिया। अरे मैंने कहाँ भेजा, वो खुद गया होगा अपनी मर्जी से माँ की दवा लाने। लेकिन तू इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? तेरे भाई का 30 रुपया लुटेला वसूल करके आ रहा हूँ। हार के आया था पास्कल के अड्डे पे। क्या उठ तू? जुआ खेलने गया था? अरे ये कहाँ जुआ खेलता है, पहलवान ने उसे जबरदस्ती बिठा दिया, वो मार टस्सी कराने। पकड़ 30 रुपए ले। मौसी नहीं? ओफो, कितना मना करती हूँ लेकिन मानती ही नहीं, ओवर टाइम ही करके आती है। क्या हुआ? अरे मौसी, 100 साल जिएगी तू, अभी भी तेरी बात कर रहा था। बेटे, हम गरीबों के लिए 100 घंटे जीना मुश्किल है, इतने साल कौन जिएगा? देख मौसी, अगर तू ऐसे बोलेगी ना तो कट्टे। मगर तू अपने को ये बता कि तू इतना मेहनत क्यों करती है? अरे जब बेटी जवान हो जाती है ना तो माँ की जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती है। बस अपने अंजू के लिए अच्छा सा पति मिले, उसका छोटा सा सुखी परिवार हो, यही मेरा सपना है। तो इसकी फिक्र मत कर, ये बहुत किस्मत वाली है। हाँ, मिलेगा ना लड़का तो बहुत तकदीर वाला मिलेगा। बस बस बस, चलता हूँ मैं। शंकर सुन। क्या? तू अगर जबान से नहीं दिल से मुझे मौसी कहता है तो एक बात पूछू? अरे पूछना मौसी। तू क्यों रातों को सड़कों पे भटकता रहता है? अपना घर तो हो, कोई अपना तो हो, अपना घर बसाने की क्यों नहीं सोचता? अरे मौसी, अगर अपन घर बसाने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बचपन से लेकर आज तक एक नाम ही तो कमाया सड़क छाप, अगर घर बसा लूंगा ना तो सड़क वाले मेरा नाम भी छीन लेंगे। अपन जान दे सकते मौसी पर नाम नहीं दे सकते। चलता हूं, चलो छोड़ो। ये सर, उस स्पॉट पे 19 नंबर लगा दो। आप जो नंबर कहेंगे वो मैं लगा दूंगा, क्योंकि आज तक आपने जिस चीज पर नंबर लगाया है वो इसीलिए तो आज तक मैं आपको दुमची की तरह चिपका हूँ, कहीं मेरा नंबर ना लग जाए। जय किशन, तुम बहुत बोलते हो। यही सर, यही तो माइनस पॉइंट है मेरा। कम प्लीज, कम दिस वे प्लीज, कम।
कम कम। धर्मदास जी, ये लोग हमारे चूरन और भूसे का सैंपल देखना चाहते हैं। हेलो, आई एम फ्रेडरिक। हेलो फिलिप्स। जॉन। हाय डिसूजा। हाय स्टीवनसन। यू आर वेलकम। धर्मदास जी, हमारा माल आ गया। जूली 16 नंबर। See this. Oh, fantastic. Wonderful. हमारे पास इससे भी ऊंची क्वालिटी है। बिल्ला 50 नंबर लेके आओ। जुड़ी ये देखिए। Oh, I want this. आपको ये चाहिए? Yes. आप भी पास कीजिए इसे। This is the real stuff, boy. Yeah, this is the stuff. Very fine. Good, good. हमको ये मांगता है? हमको भी यही मांगता है। जाओ। मिल जाएगा। गोगा जी, इन्हें लाल बत्ती वाली कोठी पर ले जाओ और 50 नंबर का सारा माल दे दो। सात के हिसाब से पैसे ले लेना। जी, कम जनरल, कम कम विद मी। थैंक यू। वेलकम। देखा जाए किशन, घटिया माल को अच्छा बता के भेज दिया। इसीलिए मैं हूं और तुम हो। मैं तो आपका चमचा हूं, काम करता हूं, चेक लगाता हूं। अरे जीत गए जी, जीत गए, जीत गए जी, जीत गए। मुबारक हो धर्मदास जी, मुबारक हो। मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत गए। अरे वो तो मुझे मालूम ही था। मालूम था। अरे 10 कैंडिडेट्स में से सिर्फ आप 20,000 दो वोट से जीते। अच्छा। और आखिरी दो वोट हम दोनों के थे। और पेनो धर्मदास जी की जय। धर्मदास जी की जय। अब आपके सामने श्री धर्मदास जी दो शब्द कहेंगे। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने हमें उपचुनाव में जिताया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। जय जयकार मेरी नहीं, जय जयकार है आप लोगों की, आप लोगों के विश्वास की, आप लोगों के उन वोटों की जिनकी कीमत मेरी नजरों में दुनिया के नोटों से भी बहुत ज्यादा है। तालियां। और अगर इसी तरह आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द आपकी बस्ती के नलों में हम पानी की जगह दूध बहा देंगे। दूध के लिए तालियां। अपन भी एक बात बोले ना साहब, बचपन से देखते आ रहा है तुम्हारे जैसा नेता ऐसा स्टेज पर आके पब्लिक को लेक्चर मारता है, फोकट का हार पहनता है, एक से एक सपने दिखाता है और फिर पतली गली पकड़ के गायब हो जाता है। हम लोग तालियां मारते रह जाता है, ना हमारे नल में पानी आता है, ना झोपड़ियों में लाइट आती है, ना दुकानों में राशन है, ना ही हमारा कचरा उठाने के लिए म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी आता है। ये कुछ नहीं आता है, सिर्फ आता है तुम लोग वोट लेने के लिए, है कि नहीं? तालियां बजाओ। नहीं भैया नहीं, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो वोट लेने के लिए नोट बांटते हैं और वोट मिल जाने के बाद नोटों में उलझ जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके आंसू मेरा दर्द बन जाएंगे और आपकी तकलीफें मेरी परेशानियां कहलाएंगी। अरे सच बोला था साहब, अपन और एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानना, आदमी के दो हाथ तो होते हैं मगर नेता बनने के बाद एक हाथ एकदम लंबा और एक हाथ एकदम छोटा हो जाता है। वो लंबे हाथ से वोट खींचता है और छोटे हाथ से नोट देता है अपन के आसपास के लोगों को। हम गरीब तक तो हाथ पहुंचता ही नहीं है ना। अरे तुम्हारे लेन देन में बहुत गड़बड़ है साहब, बहुत गड़बड़ है। हाँ चलिए सेठ जी, गाड़ी तैयार है। धन्यवाद। धर्मदास जी की, दूसरी गाड़ी में आओ। सेठ धर्मदास जी की, सेठ धर्मदास जी की, सेठ धर्मदास जी की। जय किशन जी, कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ, आज शाम को पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले। जब पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे अरे तू क्या देख रहा, काम कर। धूप में चल रहे हैं। अरे जितना मिट्टी का तेल आया था सब खत्म हो गया, अब क्या मैं मेरे शरीर में से मिट्टी का तेल निकालूं? अरे तुझ जैसे बेईमान के शरीर से मिट्टी का तेल नहीं, नॉर्मल मेल निकलेगा। अंजू देख, तू मेरी बेइज्जती मत कर वरना। वरना क्या,
तेरी इज्जत के पोस्ट कार्ड पर बेइज्जती का स्टैंप लग जाएगा। बारे इज्जत के ठेकेदार वाह, हम गरीबों का मिट्टी का तेल मारकर काले बाजार से पैसा कमाकर क्या काली इज्जत बनाई है तूने? ज्यादा बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तेरी तारीफ कर रही हूँ। ये मेरी तारीफ है? चल जल्दी से मिट्टी का तेल बांटना शुरू कर दे, वरना तेरी इतनी तारीफ करूंगी कि रुई के बदले तू अपनी धोती कान में डालकर भाग जाएगा। दो इंच की छोकरी और दस गज की धमकी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, समझती क्या है अपने आप को? अरे जा जा, बड़ा आया पुलिस को फोन करने वाला। हेलो पुलिस स्टेशन। अबे लाले, काय को खाली पीली आठाना खराब कर रहे? हो गया काम, हो गया। तेरे को एक पुलिस मांगता है, तेरे सामने पूरा पुलिस स्टेशन खड़ा है, क्या रफड़ा है? वो क्या है शंकर दादा, मिट्टी का तेल खलास हो गया है और लोग चिल्ला रहे हैं, अब कहाँ से निकालूं मिट्टी का तेल? और ये दो इंच की छोकरी दादागिरी दिखा रही है। जी 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 जी, बहुत बुरी बात है, छोकरियों की दादागिरी दिखा दी है, बहुत बुरी बात है लल्ले, बहुत बहुत बुरी बात है। अरे ये क्या कर रहा है शंकर? क्या है ना कि जैसे हवलदार लोग लाठी चलाता है लफड़े को रोकने के लिए, अपन माची सुलगाता है। लेकिन आग लग जाएगी शंकर। आग तो गरीबों के पेट में लगी है बिना मिट्टी के तेल के। अरे लेकिन शंकर, तू मेरी दुकान में घड़ी घड़ी माचिस की काड़ी क्यों जला रहा है? क्या ना कि सेठ, तेरे थोबड़े से फांदेबाजी का पर्दा हटाने के लिए। क्या? मिट्टी का तेल किधर है? उधर। कितना है? बहुत सारा भाइयों, मिट्टी का तेल है। नहीं नहीं, आ, क्या बात है? हाय हाय, ले जाओ। हाँ ले जाओ। शंकर भैया की, शंकर भैया की। मुझे बचा लो, मेरे पीछे चार गुंडे लगे हुए हैं। गुंडे लोग कुछ ज्यादा ही हो गया बम्बई में, इस पाइप में भी शांति नहीं। मेरा नाम शांति नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, अंदर अंदर। क्या बे, पुलिस पीछे पड़ी है क्या? ए छोकरी को देखा क्या? छोकरी? हाँ। नहीं चला रहे हम। अरे सुनना क्या, छोकरी अपन ने देखे ला है, इधर है, पन बताएगा नहीं। ये रही छोकरी, तुम लोग इधर से जाओ, मैं इधर से देखता हूँ। एक छोकरी, चार चार छोकरे, बहुत गड़बड़ है। अब पी ले, पी ले। अब पीने दे बे, मेरी तो तू भी पी ले, पी पी। हट साले, आ जा बेटो। शाबाश, पीछे भी है तू आराम कर, अपन है ना, फिकर मत कर, अपन है, अपन है। हाँ ये ले, तू भी मार, तू भी मार। ओहो शाबाश शाबाश, बात तेरे कैसा रहा? मार तेरे, तेरे चाचा ने भी पहली धार का माल नहीं पिलाया होगा, पी ले। शाबाश तेरे, तेरा पकड़ गया, अब फिर आ गया तू। हाँ ये ले, और बात को झगड़ रहा आपस में। अरे कितना है? ये तो तीन है। और ये? ये तो पूरा गैंग है। अरे अबे एक मिनट, पहले को मारता है, रुक जा। मित्र आप जल्दी कर, मेरा पीले जा, आप मार इसको। शाबाश शाबाश, क्या पंच है भिड़ू। ये बॉटल है, और जाके सबकी धुलाई कर दे। क्या पंच मारेगा, बहुत खूब बहुत खूब मारते रहे। छोटे से पाइप में शांति ने पूरे हिंदुस्तान में कहां से हो गए, चल चल के दारू पी लें।
तेरे डबल आवाज कहाँ से आ रही है? अपने जूते में तो तू कहाँ गई थी? मैं बहुत डर गई थी। डर गई थी? अबे डरने की कोई बात नहीं है, देख रोड एकदम क्लियर है, चलता हूँ। सुनिए, क्या है? घर जाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। इतने कड़की लड़की के पीछे चार चार लड़के को समझ में नहीं आया? नहीं, मैं कड़की लड़की नहीं हूँ। क्या है कि हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और जिस टैक्सी में मैं बैठी उसी टैक्सी में ये गुंडे मिल गए। मैं जान बचा कर भागी और मेरा पर्स भी गिर गया और बाकी तो तुम जानता हूँ। रहती कहाँ तू? लेपिंसी रोड। रोड? रोड पर रहती तू भी? फिर तो देना आज पड़ेगा। ये ले 12 रुपए 50 पैसे, इतना आज था, दे दिया, चलता हूँ। मैं आपको ये वापस कर दूंगी। अरे करना ही पड़ेगा, ये अपने मेहनत पसीने की कमाई है, पोस्टर चिटका चिटका के कमाई लाए। हाँ चल। मगर आप मुझे कहाँ मिलेंगे? कमाल कर ली तू यार, यहाँ के हर सड़क पर अपन का छाप है, अपना नाम सड़क छाप। किसी भी कबूतर को पूछ लेना, ले आएगा तेरे को अपने पास। अबे वो काले पीले, रुक रुक। एक मिनट, बाल अंदर टोपी ऊपर, छोरा दिखेगा तो खतरा कम। अबे सुन, जरा संभाल के छोड़ना, बड़ो बहुत स्पेशल है अपने लिए। हाँ अच्छा, थैंक यू। अरे बाप, क्या झटका दे रहा है तू, गाल का कलर एकदम लाल लाल। हेलो हेलो रोबी साहब, वो लड़की भागी। तुम लोग फिर उसे उठाने में नाकामयाब हो गए, ब्लडी बास्टर्ड्स, इडियट्स, रास्कल्स। सिस्टर, मेरा प्लान फिर फेल हो गया, वो चिड़िया फिर मेरे हाथ से निकल गई। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? अरे आई नो, मैं जानता हूँ कि चेस बोर्ड का ये किंग तुम्हारे हाथ में है, मगर उस सोने की चिड़िया का हाथ में आना बहुत जरूरी है। हाय नताशा। हाय नर्स। यस मैडम, अंकल कहाँ है? होगा इधर, ध्यान से सुनो। एक नंबर का माल 17 नंबर के गोडाउन, दो नंबर का माल 32 नंबर के गोडाउन, एग्रीमेंट पेपर्स लॉकर्स में, और प्रॉपर्टी डीड्स। अंकल। तुम? अंकल वो मेरे पीछे ना, वो मेरे पीछे। नताशा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि बंगले के इस हिस्से में मत आया करो। अंकल मेरे पीछे गुंडे लग गए थे। नताशा, ये हिंदुस्तान है, इंग्लिस्तान नहीं। यहाँ लड़कियां रातों में अकेली घूमा नहीं करती, और याद रखो बंगले के इस हिस्से में कभी मत आना, समझे? जाओ। डार्लिंग, जब से तुम्हारी भतीजी लंदन से आई है, हम दोनों के रोमांस में कितना डिस्टरबेंस आ गया है। उधर के बंगले में नर्स बनो और यहाँ ड्रेस बदलो। जाने मन, इस दुनिया में अपने ढंग से जीने के लिए तरह तरह के भेस बदलने पड़ते हैं। अबे चालू, हाँ ये नया नाटक क्या है? इतनी गर्मी में ये मोटी कंबल कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेरे डेथ सीन की तैयारियां हो रही है, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे डबल निमोनिया हो गया है, अगर मैं कंबल नहीं पहनूंगा तो ट्रिपल निमोनिया हो जाएगा। अच्छा, ये मोती का के लिए भोग रहे ला? वो तो दवा खाने ले जाने के लिए बोल रहे ला। ये क्या है? ये इसका बाप कुत्ता था, इसकी माँ कुत्ती थी, ये भी कुत्ता है। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? बात ऐसी है कि इसका बाप रंडवा हो गया, यानी कि इसकी माँ मर गई, और ये अनाथ होने वाला था, इसलिए मैं इसको घर ले जा रहा हूँ खिला पिला के थोड़ा मोटा। खिला पिला के मोटा करने? अरे तू इसके मुंह से खाने वाला आदमी है बे। क्या मेरा कोई स्टैंडर्ड ही है? तेरा कोई स्टैंडर्ड भी है? स्टैंडर्ड क्या, मेरे पास तो मर्सिडीज है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मर्सी
ए मौसी। अरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे मौसी कह रहे फैक्ट्री गई है। अच्छा देख मौसी के लिए क्या लाया। माँ देखेंगी कितनी खुश हो जाएंगी। तू चाय पिएगा ना? ए, ये कोई चाय पीने का टाइम है क्या? ओहो बन रही है ना। अरे सुन तो तेरे लिए भी लाया हूं। तू बैठ मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे शक्कर कम। पहली बार आंखें जब हो चार, पहली पहली बार आंखें जब हो चार, होता है जवानी में ये यार, मेरे प्यार हुआ प्यार करो जीने का आएगा मजा, जीने का अपना बनाऊंगा तुझे, सपनों के रंग से सजाऊंगा तुझे, सजना मेरे जीवन मेरा तेरा हो गया। अरे होता है जवानी में ये यार, मेरे प्यार हुआ प्यार करो जीने का आएगा मजा, पहली पहली बार आंखें जब हो चार, पहली पहली बार आंखें जब हो चार। छाही गई रे रिम झिम रस बरसाही गई रे, चली पुरवाई घटा छाही गई रे रिम झिम रस बरसाही गई रे, भीगा भीगा तन झुके झूमती हवा, प्यास कोई मन में जगाही गई रे, प्यासे मन पे झूम के बरसा सावन प्यार का, होता है जवानी में ये यार, मेरे प्यार हुआ प्यार करो जीने का आएगा मजा, अरे पहली पहली बार आंख
जीने का आएगा मजा। चाय भाप बन के उड़ गई है। मैं अभी दूसरी चाय बनाती हूँ। अबे तीसरी चाय पीने का टाइम हो गया अपन का। तीसरी चाय? वो चाय अपनी। चलता हूँ। अरे बेबी, आपके लिए दूध का ग्लास टेबल पे रख दिया। ओके ओके, एक तौलिया लेके आना। अच्छा। अरे अरे अरे, मैं लेट हो रही हूँ ना। अरे अरे नताशा, नशे की हालत में कहाँ चली गई? चल भिड़ो, लड़क जा लड़क जा, तेरा टाइम हो गया है। सो जा सो जा। अरे ये भाई, ये काली रात में सफेद रात कहां से? हाँ कलर नहीं मांगता है क्या? क्या लगा रे? अरे ऊपर वाले काय के लिए तीसरा हाथ लगा रहा है यार? अपन बोला ना, अपन को नहीं मानता है। अरे भाई ये तो छोकरी है। ए, ए छोकरी, तो अपन के बिस्तर पे क्या कर रही है भाई? क्या छोकरी उठती कि नहीं? Who are you? मरे, ये तो इंग्लिश में बोल रही है बाप। What happened? ये लो, इंग्लिश का नया आइटम। अरे यार अपन बोल रहे लाए कि ये पलंग अपन का है। दिस मी दिस मी दिस मी दिस मी। क्या किस मी? तुम हमारा किस मांगता है? अरे नहीं यार, अपन किस भी नहीं मांग रहे लाए। तो फिर क्या मांगता है? 12 रुपया 50 पैसे। ये 12 रुपया 50 पैसे वाली? तू यार उस दिन के बाद गायब हो गई। 12 रुपया 50 पैसा निकाल अपना। 9 12 रुपए 9 50 पैसे। हमें बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। कमाल है, पहले भाड़ा मांगा फिर खाना मांगती है। आगे क्या क्या मांगेंगे भाई बता देना। हमको बहुत भूख लगी है। अरे यार बॉटल तो अपन ने मारे ले, तू काहे को हिल रही? भूख लगी है, भूख लगी है। चल तेरे भूख का भी बंदोबस्त कर दे। चल रुक। ए रुकिया रुकिया, पाव भाजी मस्का मार के बना दे। अरे हाँ मैं जानता हूँ, मैं इनके बच्चे। तू ये बोलेगी भूख लगी भूख लगी, सुन सुन के मेरे नशे की माँ की आँख हो गई, मेरी नींद का सत्यानाशी हो गया और मेरे दिमाग का भजिया बन गया। क्या कर रही तू यार? अरे ये तो बेहोश हो गई। ए भाई लो मिया, इसे कहते हैं बैल मुझे मार, कहाँ फंस गया? अच्छा वाला सो रहा था मैं। अरे यार कहाँ कहाँ से आ जाते हो यार अपनी जिंदगी में सब यार। शंकर कौन है ये लड़की? चल चल जल्दी बिस्तर तैयार कर तू। क्या? एक ही रात का तो सवाल है। तू तू इसके साथ एक रात? अरे कौन है ये लड़की? अपन नहीं जानता मैं उसे।
आहा, खुद लेकर आया, खुद को नहीं पता कौन है ये? हाँ, अरे वो डॉक्टर अंकल है ना, उसने बोला कि इसको एक रात का आराम चाहिए, इसलिए मौसी अपन यहाँ लाया। मेरा घर कोई अस्पताल या आश्रम नहीं, समझा ना, उठाई सर ले जा अपने साथ। अरे मौसी बोलना वरना मोहल्ले में धमाधम हो जाएंगे यार। हाँ, मगर मिली कहाँ तुझे ये? मिली नहीं, गले पड़ी। गले पड़ी? हाँ, तू जाके चद्दर लेना मौसी। चद्दर भी? अरे क्या है ना, वो गार्डन के बेंच पे जो अपन सोता है ना, वो इस बेंच पे ये भी सो रही थी। और एक बेंच पर तुम दोनों? अरे नहीं रे, तू किधर का छापा किधर को मार रही है? बीच में लकड़ी की दीवार भी तो थी। तेरे को दीवार तोड़ने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने कोई दीवार तोड़ फोड़ नहीं किया, वो तो उसका हाथ ऊपर से आ गया। वो भी ऊपर से? अरे क्यों दिमाग का दही कर रही यार, वो ऐसी लड़की नहीं जैसे तू सोच रही थी। अच्छा, वैसी नहीं है? देख अंजू, क्या है ना कि मैंने उसको 12 रुपया अठाने दिए थे। और पैसे दिए तूने? क्यों दिए? अरे भाई बहुत लंबी कहानी, उसने वो गुंडे उसके पीछे पड़े थे। नया पैतरा? देख यार, एक तो बम्बी की गर्मी ने हालत खराब कर रखी है और तू इंक्वायरी कर रही पुलिस की, जैसे मैं तो चलता हूँ यार। अरे किधर जाता है, उठा अपना पर्सल और फूट गया। अरे अरे, रात के वक्त कहाँ ले जाएगा इसे? बोलना। जा बेटा, तू जा, मैं इसे संभालूंगी। सुन, सुबह आके ले जाना। हम उसे देखना का लफड़ाना। ए ड्रामा कंपनी, चलो नाटक खत्म हो गया, आंखें खोल। अच्छा, नहीं उठेगी। अंजू, ये अंजू, अंजू वो छोकरी का खलास। तुम क्या, तुम इसको खलास कर दिया? अरे काई को सूली पे चढ़ने की बात कर रही तू? आधी रात को मैं ये चाकू लेकर धीरे धीरे उसके पास गई, चारों तरफ देखा, दूर दूर तक सन्नाटा, खामोशी, अंधेरा, वो गहरी नींद में और मैं एकदम गुस्से में। फिर अचानक अचानक न जाने क्या हो गया, मैंने खचा खच खचा खच उस पे 10 बार कर दिए और फिर वो खलास। तूने उसको मार डाला? खलास कर दिया। मर्डर? मर्डर है भड़ू, फिर क्या हुआ? उसके बाद आंख खुल गई। अरे यार, तूने तो शंकर की खटिया खड़ी कर दी, पर कहां गई वो? चली गई। चली गई? कहां गई कुछ बताकर भी गई क्या? अरे तेरे को 1000 वोल्ट का झटका क्यों लग रहा है? हा? तेरा कुछ लेना देना है क्या उसके साथ? अरे मेरे अंजू, कुछ लेना देना नहीं है, कल रात को तो मिली थी। कल रात क्या हुआ था डॉक्टर साहब? बेटी कल रात तुम्हें दूध में नींद की इतनी गोलियां दी गई थी कि शंकर अगर तुम्हें लाने में 10-15 मिनट भी लेट हो जाता तो तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। नताशा बिटिया के दूध में जहर किसने मिलाया था? जवाब दो। जहर था नताशा बिटिया के दूध में? जहर नहीं सर, इनका कोई दोष नहीं, बेबी को दूध मैंने दिया था। तुमने? लेकिन सर, हमने बेबी के दूध में कुछ नहीं मिलाया था सर। हाँ, जब मैं बेबी के कमरे में दूध रख के बाहर निकली तो मैंने देखा सर। मेरी नीच? क्या बात है? यही है वो ब्लडी नीच, थर्ड क्लास नमक हराम, जिसने नताशा के दूध में गोलियां मिलाई। नहीं बेबी, नहीं बेबी, मेरे बरसों के ईमानदारी पे शक मत करो बेबी। तुम ब्लडी गरीब लोग बरसों ईमानदारी का ढोंग करते रहते हो और मौका मिलते ही ऐसी बेईमानी करते हो कि शैतान भी शर्मा जाए। नहीं बेबी, ये देखिए। ये तो नींद की गोलियां हैं। इसके कमरे से मिली? नहीं। क्या? नताशा? नहीं, मैं हटा, बात करने दो। ये छुट्टी पे जाना चाहती थी, 500 रुपए एडवांस भी मांगा था। शट अप! और ये इसका प्लान था, तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी सब ज्वेलरी लेके ये भाग जाना चाहती थी। चोर कहीं की? सर ये सब झूठ है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की सर, मैंने दूध में कुछ नहीं मिला। मैं तो जब बेबी के कमरे से बाहर निकल रही थी तब ये। कितना झूठ बोलती हो तुम, कितनी झूठी हो तुम, आल के लिए। रोमी सर, सर आप ये देखना चाहते हैं ना, ये कितनी मासूम है, कितनी भोली है, तो आइए मेरे साथ, प्लीज कम, हट जाओ, कम ऑन, कम ऑन, हट। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, लुक, देखिए, इसकी सच्चाई, ईमानदारी और नमक हलाली का सबूत है ये। मक्कार औरत,
इस घर की सारी जिम्मेदारी सौंप कर तुझ पर भरोसा किया हमने, और तू, मैं तेरी जान ले लूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज जाने दीजिए। धोखे बस, निकल जाए यहां से बाहर, धक्के मार के निकाल दो इसे बाहर। अरे बैठी मुंह क्या देख रही है, चलो मुंह काला करो यहाँ से। कुछ नहीं किया शुगर, तुमने पुलिस में नहीं दिया। Get lost. अरे जाता किधर है? नहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन जख्म जरा गहरा। अंजू अंजू क्या हुआ, छोटू ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तूने गाड़ी का नंबर लिया क्या? तेरी तो बाप के पैसे पे शांत पति करता है, गाड़ी आ गई तो समझता है कि रोड खरीद लिया। तुम लोगों की तो बच्चे गुड़ा के भागता है, गाड़ी चलाता है क्या मजा? ये क्या गुंडा करती है, कौन हो तुम? बीच में नहीं बोलते, जब दो आदमी बात करते तो बीच में नहीं बोलते, समझे? इसका हिसाब किताब पूरा करके मैं तुमसे भी बात करता हूँ। अच्छा तेरे कैसे कैसे को मैं पूछता हूँ, क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? ये अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता सेठ। क्या है ना कि अपने मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा है, उसको उड़ा के हाथ तोड़ के भाग गया। ठीक है, तुम्हें बच्चे के इलाज के पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगा। इलाज के पैसे आप इसी को दे देना, समझे ना? अपना हिसाब किताब कुछ और है। खबरदार, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ छोड़ के बात कर, वरना यमदूत के हवाले कर दूंगा, समझे ना? ए, मेरे घर में घुसकर मुझे धोस देता है, क्या नाम है? यहाँ के हर सड़क पे अपुन का छाप है, आगे बताऊं क्या? ये क्या? ये आपने फॉरेन का कुत्ता मंगाया था ना? हाँ। वो ये ग्रीन कलर का कुत्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये ग्रीन लैंड का कुत्ता है, ग्रीन लैंड में कुत्ते ग्रीन ही होते हैं। अच्छा? बहुत अच्छा कुत्ता है, पैसे दीजिए ना, 500 रुपए। दे दो 500 रुपए। थैंक यू। अरे यहाँ तो सफेद नजर आ रहा है। अरे उस जगह पे तो बहुत से लोगों को, आप ऐसा कीजिए ना, डरने की क्या बात है, ये लीजिए, ये हरी शीशी है, बस ये कलर जो है वहाँ थोड़ा सा लगा लीजिए, मिक्स हो जाएगा। नमस्ते। अरे ये तो बेवकूफ बना गया, पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे ठहर। शायद उधर गया, चलो। पिंकू क्राई वाटर ऐसा असर दिखाए, माँ की गोद में जाके बच्चा जैसे चुप हो जाए। क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो चलो। अंकल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो रहा, अरे पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अरे पकड़ेगा तो छोड़ेगा ना, पहले पकड़ के तो दिखा। अरे अरे ऐसे तो मैं दौड़ता नहीं हूँ, और दौड़ता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। अरे शुगर के पैंट नहीं पकड़ा, मेरे सब कपड़े टेम्परवरी है। उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ये कार्टून भी इधर है और ये भी। ओ भगवान मुझे ऊपर उठा ले, इतने जल्दी ऊपर बुला रहे। अरे ऊपर ऊपर वाले मेरी मदद कर। क्यों बे फांदेबाज, दस लोगों को मार। नारियल की तरह ऊपर का लटक रहा है, नीचे उधर। अरे नीचे उधर का बता, मैं तेरा भरता बना दूंगा। नारियल का भरता बना दूंगा, ये ले तू भी, ये मजा आया, ये ले। अरे 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 तू भी उतर रहा है। ओ पाट। अरे मेरे को तो उतारना नहीं, उतारता
पहले बोल क्या फांदेबाजी की? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको एक कुत्ता भेजा था और वो साले लोग मुझे देखकर कुत्ते के जैसे पीछे पड़ गए मेरे। देख बे, तू अगर अपन से झूठ बोलेगा ना तो हमेशा ऐसे ही लटकता रहेगा। अच्छा? हाँ। वो क्या है कि मैंने एक पतली गली का कुत्ता कलर मार के उनको फॉरेन का बना के बेच दिया, उन सालों ने देख लिया और मेरा भांडा फूट गया तो उतार दिया नीचे। ठीक है, आज के बाद फांदेबाजी बंद, बेईमानी बंद, ईमानदारी बंद। क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, ईमानदारी चालू, आज से चालू। थैंक यू। कोकेन? अच्छा कोकेन, कोकेन, अच्छा तो मैं खुद पहुंचा दूंगा। हाँ अच्छा सेठ जी, ये मेरी बहन है। तुम्हारी है ना, मेरी थोड़ी है। सेठ जी, इसकी शादी सर पे आ गई है। सर पे आई हो या पैर पे, उसमें मैं क्या करूँ? पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि आप कुछ पैसे उधार देंगे। कहने के लिए तो कुछ भी कह देता हूँ, उसमें होता है क्या? कमाल कर रहे हैं, पर आपने तो प्रॉमिस किया था। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री का हिस्सा गिर गया है, उस इंजीनियर ने भी मुझे यही प्रॉमिस किया था कि कभी नहीं गिरेगा, लेकिन गिर गया ना। तुम जाओ यहाँ से, चलो हटो हटो हटो। शंकर भैया, बहुत मस्त ब्रेक है साहब, बहुत मस्त है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की इंजन में थोड़ा गड़बड़ लगता है। कौन है तू, कौन है? सेठ, ऐसा बिंदास गाड़ी रुकाने वाला सड़क छाप की सिवा और कौन हो सकता है? सीधी बात कर, सीधी बात कर। तू पब्लिक समझती नहीं, इसलिए मैं तेरे को समझाने को आया। इस बेचारे को 2000 रुपया दे दे और मामला फिटूस कर दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो साहब, ना तुम्हारी गाड़ी बिकेगी ना तुम्हारा बंगला नीलम होगा, लेकिन बगैर पैसे के इस गरीब की इज्जत नीलम जरूर हो जाएगा साहब। 2000 का ही सवाल है, दे दो। तू तो पैसे देने को ऐसे बोल रहा है जैसे तूने अपनी मेहनत से पैसे कमाकर मेरी बैंक में रखे हो। वाह वाह। अगर मेहनत के भी पैसा अपन इसके हाथ में रख सकता है सेठ। चल 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 हट, चल हट, बकवास बंद कर और रास्ता छोड़, रास्ता छोड़। अपन तेरा रास्ता छोड़ देता है, मगर इसका 2000 तेरा रास्ता नहीं छोड़ेगा। भी इतने शैतान हो गए ना, डबे डबे बांध दिए मेरी गाड़ी को, ये बच्चों को भी क्या करना। अरे अरे पकड़ो पकड़ो उसे, अरे कोई है, कोई है, वो मेरी गाड़ी लेकर गया, उसको पकड़ो। अरे पकड़ो, मेरा मुंह क्या देखता है, तुम पकड़ो उसको। डब्बा बोतल वाला हूँ, डब्बा बेचता है क्या? ये ले सुरेश, तेरे बहन की शादी के लिए। कहां से मिले? तेरे मालिक ने दिए। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी 80,000 की गाड़ी, चार ईंट के ऊपर। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये वही चोरे लाए जो ऊपर वाले ने लिखे लाए। क्या ना भिड़ू, जैसे रोने से मरने वाले वापस नहीं आते, वैसे चिल्लाने से लाए बोला माल। समझ गया ना सेठ? तुम इधर? मैं इधर नहीं तो किधर? वैसे इंस्पेक्टर साहब, अपन ने ये गाड़ी चलाने वाले को देखे ला। कौन है? कौन था वो? कौन था? कौन कौन चला रहा था ये गाड़ी? अरे मगर भड़क का एको रहला है, बताता हूँ। जल्दी बताओ प्लीज। बताता हूँ। यच है ड्राइवर। ड्राइवर? अरे मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मालिक? फिर तो यार तुम्हारे स्टायर का इसी बार का तो रोना है।
अरे साहब, इंस्पेक्टर साहब, जरा देखो स्टेपनी में अपनी है क्या? डिक्की देखो, डिक्की डिक्की खोलने की क्या जरूरत है? डिक्की में तो चार टायर गए, उसके बाद स्टेपनी देखकर क्या फायदा इंस्पेक्टर साहब? अरे सेठ, शायद स्टेपनी तुम्हारे को वहां तक पहुंचा देगी ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? छी छी, तुम्हारे पीछे कुछ सफेद सफेद गिरेला है। पीछे? अरे मेरे पीछे कुछ नहीं गिर रहा है, क्यों सुबह से मेरे पीछे पड़े हो? अरे मैं तुम्हारी पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, या तुम्हारी डिक्की से कुछ गिर रहा है? क्या है, दिखाओ दिखाओ। कुकिंग भाग, कुकिंग कुकिंग। मिस्टर जयकिशन, जरा ये डिक्की खोलिए। चाबी कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? गाड़ी चोरी हो गई थी ना, चाबी खुल गया, खुल गया। माली माल बेड़ो। यस गुप्ते सर, इनकी कार में से एक कोकीन मिली है। मिस्टर गुप्ते, तुम उस बंदोबस्त के लिए जल्दी जाओ, मैं इस केस को देखता हूं। यस सर। जय किशन, शुक्र मनाओ, जिस इलाके में हमारी कोकीन पकड़ी गई है जी सर, वो एरिया इनके अंडर आता है। नहीं तो तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन आता? जब तक इंस्पेक्टर मोरे आपके साथ है, तो इंसान की तो क्या, भगवान की मर्जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे नहीं बिगाड़ सकती इंस्पेक्टर साहब, हमारा 20 लाख का कोकीन अभी भी पुलिस कस्टडी में है। डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? गुजरा हुआ कल, ताकि आने वाले कल में कोई गड़बड़ ना होने पाए। साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक हफ्ते के अंदर ही किसी भी हालत में आपका सारा माल पुलिस कस्टडी से निकाल कर आप तक पहुँचा दूंगा। माल नहीं इंस्पेक्टर, मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा हूं। जब मजदूर ने जयकिशन से कर्जा मांगा, वो आदमी वहां पहुंच गया, फिर हमारी माल से भरी हुई गाड़ी लेकर कोई भाग गया, उसके चारों टायर चोरी हो गए। उस वक्त भी वो आदमी वहां मौजूद था। वो आदमी नहीं, मुझे तो जहरीला नाग लगता है। नाग नहीं सर, आग है, आग। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दो कौड़ी का सड़क छाप परछाई बनकर हमारा पीछा कर रहा हो? नहीं नहीं, वो हमारा क्या पीछा करेगा? मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि वो आपके रास्ते पे आना तो क्या, रास्तों पे चलना भी भूल जाएगा। गाड़ी रोको। ए, चलो जीप में बैठो। क्या बात है साहब, आजकल पुलिस वाला जनता को लिफ्ट देने लग गया क्या? ए, सुनाई नहीं देता है क्या? जीप में बैठो। हवलदार बिठाओ इसको। आता ना। क्या बात है साहब, कुछ लफड़ा फफड़ा है क्या? अरे साहब ये तो बताओ, अपने क्या क्या है? मैं तुम्हें चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चोरी? आपने बोला जीप में बढ़ जाओ, अपन जीप में बढ़ गया। आपने बोला पुलिस स्टेशन चलो, अपन पुलिस स्टेशन चल दिया। अगर आपने बोला कि अंदर हो जाओ, तो साहब अपन अंदर नहीं होगा, क्योंकि चोरी करके ना अपने को बंगला बांधने का, ना शादी करने का। अपने लिए तो सिर्फ एक बीड़ी, उछल पाव, नौटा और एक पिक्चर देख लिया, बस इतना ही काफी, जिसके लिए अपन खुद कमा लेता है। मगर आपने अगर अपन को अंदर किया साहब, तो अपन आपके ऊपर इज्जत का दावा करेगा और आप खामखा सस्पेंड हो जाओगे। अच्छा लगेगा क्या? खबरदार दादा जबान चलाई तो। अरे साहब आप जबरदस्ती कानून चला सकता है क्या? अपन जबान भी नहीं चला सकता क्या? हवलदार बंद कर दो इसे अंदर। एक मिनट, एक मिनट। देखो साहब, आप शरीफ और गरीब कानून ना जानने वाले को अंदर कर सकता है, मगर अपन स्पेशल सड़क छापे, अपने को कानून का साफ मालूम है क्या? जेब काटा दफा 381, 3 महीने के लिए अंदर। दांत तोड़ा दफा 325, 3 साल के लिए अंदर। मर्डर किया दफा 302, सीधा ऊपर। और अगर शक या सस्पेक्ट ने पकड़ लिया, तो दफा 41 CRPC, बार-बार कहना साहब। मगर ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने मोहल्ला वाला जानता है कि अपन कितना शरीफ है। देखो सब लोग आया गवाही देने के लिए। हैं साहब, एक सीटी मारेगा, ये सब लोग अंदर आएगा, लॉक भर जाएगा, आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा। काहे के लिए खामखा पंगा ले रहेला साहब? हां जा रहा हूं मैं। तू यहां से सीधा अंदर जाएगा, देखता हूं कौन देता है तेरी जमानत। हम देंगे जमानत। ओहो यंपी साहब, क्या बात है, बड़े-बड़े सर आप। हां इंस्पेक्टर साहब, ये उसी इलाके का पुलिस स्टेशन है जिसकी जनता ने हमें जीतने के लिए लाखों वोटें दी हैं। तो क्या हम अपनी गरीब जनता के लिए एक मामूली सी जमानत नहीं दे सकते? आप इसे नहीं जानते साहब, ये सड़क छाप है। सड़क पर जीने वाले सभी सड़क छाप नहीं होते इंस्पेक्टर साहब, और फिर इसकी तो शक्ल पर ही सच्चाई और इंसानियत की छाप लगी हुई है। छोड़ दीजिए इसे। वाह साहब, वाह, आज पहली बार अपन के खोपड़ी के चोपड़ी का हिसाब किताब मार खा गया साहब। अपने आपको क्या समझा था और आप क्या निकला साहब? ऐसा ही होता है भाई, आदमी जिसको जो समझता है वो नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता, और जो नजर आता है वो उससे कुछ अलग ही होता है। साहब
आज आपने सड़क छाप के दिल पे अपना छाप लगा दिया साहब। अगर मालिक ने चाहना तो अपन आपको ऊपर पहुंचाने में पूरा साथ देगा साहब। ये मामला फिट टूस करके रहेगा साहब। 5 साल लगे या 10 साल लगे। शंकर भैया की ये नए भाई लोग, जय जयकार करो श्रीमान धर्मदास जी की, जो कि इतने बड़े आदमी होकर इस छोटे आदमी के लिए इस बस्ती में आया है। धर्मदास जी की जय। धर्मदास जी की जय। अब तो आप इस बस्ती के परमानेंट नेता बन ही गए साहब। आ गए नए सड़क छाप के हाथ में किसकी तस्वीर है? ये सड़क छाप की माँ की तस्वीर है। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, उसे बहुत प्यार करता था, तब से उसकी तस्वीर अपने पास रखता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, क्या फायदा भिड़ू? ना जीने का टाइम, ना मरने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना कुछ करने का टाइम। तू ही बता करे तो क्या करे है? लड़की की टांगे, अरे 12 रुपया 50 पैसे वाली तो दिन में भी आ गई। कोई पीछा तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, आज मेरे पीछे कोई नहीं लगा है। मैं तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। तू पुलिस वाली है क्या? नहीं, उधार वाली। ये रहे तुम्हारे 12 रुपए 50 पैसे और ये रही तुम्हारी टोपी। देखा देखा बड़ो, कौन बोलता है जमाना ईमानदारी का नहीं है। किससे बातें कर रहे हो? अरे दो ही तो है, एक ये और एक वो। हाँ कैला माल भी वापस आ गया, वो भी इस जमाने में। वाह ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं, कैसा कैसा टोपी फिराता है तू। अब उनका तो खोपड़ी चक्कर खा जाता है। चलता अपना। दिल भी तेरा सच्चा लगा, जब तू मिला अच्छा लगा, दिल भी तेरा सच्चा लगा। ओ मेरी जान, इस उम्र में जो होता है वो हो गया, इस उम्र में जो होता है वो हो गया। आई एम इन लव, आई एम इन लव। Thank you.
उम्र में जो होता है वो हो गया, इस उम्र में जो होता है वो हो गया। मेरी आंखें गवाह है कि वही सड़क छाप आपकी भतीजी के साथ खुलेआम घूम। खामोश। उस हरामजादे की ये मजाल के मेरी भतीजी के साथ। खैर, हमसे मिलने तो आ ही रहा है वो, देख लेंगे उसे। साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? अपने आपको सड़क छाप कहता है। ठीक है, आने दो उसे अंदर। सलाम साहब। आओ शंकर साहब। आप उनको साहब बोल के गाली क्यों देते हैं साहब? साहब हो नहीं, लेकिन बनने की तमन्ना तो है। तमन्ना और उम्मीदों पर तो दुनिया जीती है साहब। खैर बोलो साहब, इस झोपड़े वाले को इतने बड़े बंगले में क्यों बुलाया? कोई किसी को कहीं नहीं बुलाता शंकर। जिसकी तकदीर में जहां जाना लिखा होता है वो वहां पहुंच जाता है। बहुत सही बात बोला साहब, इसलिए तो आप आसमान पे और अपन जमीन पे है कि नहीं? जमीन है तो आसमान है, और आसमान है तो जमीन है। मतलब तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो तुम हो। लेकिन लगता है कि तुम्हारी तकदीर के सितारे बदल गए हैं, और ये रही तुम्हारी नई किस्मत की चाबी। ये क्या साहब? उस दिन तुमने फैक्ट्री में मजदूरों को मरने से बचाया था, इसलिए तुम्हें एक एम्बुलेंस तोहफे के तौर पर देता हूं। तोहफा लेना और देना तो साहब आप जैसे अमीरों का काम है, अपन का नहीं। अरे भाई, गरीबों की सेवा के लिए दे रहा हूं। तुम भी गरीबों की सेवा करते हो, हम भी। मतलब जनता के लिए? वोटों के साथ साथ हमें उनकी दुआओं की भी तो जरूरत है। वाह साहब, आज आपने सड़क छाप के दिल पे दूसरा छाप मार दिया साहब। ये चाबी अपने पे उपकार भी है और उधार भी। अब उन जरूर फिटूस करेंगे साहब। सर, जब आपने एम्बुलेंस दिया ही है तो पहला शुभ काम भी इसी के हाथों से करवाइए। वो आपकी नर्स की माता जी। अरे हाँ, याद आया, हमारी नर्स की माता जी बहुत बीमार है, उन्हें उनके गाँव जल्दी से पहुँचा दोगे? ठीक है साहब, आपके दिए ले गाड़ी से अपन आपके घर से वहीं करेंगे साहब। अरे हाँ, कस के बांधना, बीच में से माल गिरना नहीं चाहिए। हाँ, कर, हाँ, ध्यान से। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, जल्दी करो। बस ही मरीज दो मिनट में तैयार हो जाएगा, औरत बन के जा रहा है ना। जरा संभाल के भैया, जरा देखो देखो, संभाल के जाना मामा। ये इनको कहाँ ले जाना है? रत्नागिरी। इतनी दूर साहब? भाई इसके रिश्तेदार वहीं रहते हैं, ये लो इस पते पर ले जाओ। ठीक है सर, जाओ। तो लाइसेंस दिखाओ। नमस्कार परब साहब। नमस्कार। अरे आज शहर छोड़कर ये बाई रोड पर कैसे? साहब रत्नागिरी जल्दी पहुंचने के लिए ये रास्ता सही है, मरीज बहुत सीरियस है, जल्दी से चेक कर लो ना साहब। अरे शंकर, बुरे आदमियों को तुम खुद सीधा कर देते हो, तुम्हारी गाड़ी क्या चेक करेंगे? जाने दो। गाड़ी जाने दो। अच्छा साहब। सेठ जी, क्या है जी? मुझे पंढरपुर जाना है। पंढरपुर जाना? शोलापुर जाओ, नागपुर जाओ, कोल्हापुर, जहां जाना है वहां जाओ। अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो। एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना। तुम जैसे वर्कर्स अगर हमारी कंपनी में आए तो हमारा कंपनी का दिवाला हो जाए। निकलो तुम यहां से, निकलो, हटो हटो। अरे अरे रे रे रे। क्या 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 कर रही हो तुम? मेरे लाखों रुपए का कोकेन बर्बाद हो जाएगा। कोकेन? नमकीन है, नमक नमक है ये। नमक नहीं सेठ जी, कुछ गड़बड़ लगती है।
पुलिस को खबर करते हैं। दीदी दीदी, माँ अभी तक नहीं आई। हाँ, अभी तक नहीं आई। कितने बजे हैं? 2। इतनी देर तक तो वो कभी नहीं रुकी, कहाँ गई होगी? कमाल है, अरे मैं कोई जोतची हूँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं कोई माँओं को संभालने वाली आया हूँ? मगर मेरी माँ कल रात से आपकी फैक्ट्री से निकल के घर लौटी ही नहीं। हाँ साहब, और हम में से भी किसी मजदूर ने उन्हें फैक्ट्री से निकलते नहीं देखा। अब तुम लोगों ने नहीं देखा तो क्या मैं उन्हें उठा के ले गया? तमीज से बात कीजिए सेठ। अरे चलो सुरेश, पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। जी तुम्हारी माँ कुछ पैसे एडवांस लेने के लिए आई थी, मैंने मना कर दिया। हो सकता है किसी रिश्तेदार के पास एडवांस लेकर, आई मीन उधार लेकर वो पंढरपुर चली गई हो। हाँ सुरेश, माँ कई दिनों से पंढरपुर जाने को कह रही थी। देखा देखा, खामोखा आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। कौन, जाइए जाइए, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाइए, जाइए। इसने जिंदगी में बहुत दुख उठाए, रोकर इसे और दुख मत पहुंचा। रो मत अंजू, ए अंजू, रो मत, चुप हो जा। दीदी, तुमने कल से खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। अगर तुम नहीं खाओगी तो जियोगी कैसे? क्या तुम भी मुझे माँ की तरह छोड़ जाना चाहती हो? रो मत अंजू, अंजू रो मत। रोने से जाने वाले लौट कर नहीं आते, और फिर आंसू और दुख तो हम गरीबों की तकदीर है। देख अब उनको, अब उनकी जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं। फिर भी अपन जीता है ना, अगर तू हिम्मत हार गया तो कैसे चलेगा? अंजू मरना आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हम कैसे जी, कौन है हमारा? क्यों, अपन तेरा कोई नहीं क्या? बबलू तेरा कोई नहीं? हाँ, क्या अपन पर तेरा भरोसा नहीं? हमेशा तो तेरा दुख अपन का दुख रहा है। रोमत रोमत अंजू, मौसी की मौत भगवान का दियला नहीं है, ये किसी शैतान का दियला है। तुम अंदर कैसे आए? अपन तेरे से ये पूछने आया कि वो औरत कैसे मरी। कौन सी औरत? जो तेरे पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, बेमला मौसी। देखो हमारे यहाँ 300 लोग काम करते हैं, और काम करने के बाद घर चले जाते हैं। मैं थोड़ी हरेक की खबर रखता हूँ। इसकी खबर है तेरे को तो सीधा आदमी नहीं, टेढ़ा आदमी। अगर सीधी तरह से नहीं बता तो टेढ़ा कर दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? निकल जाओ यार, निकल जाओ। ऐसे नहीं बताता। बचाओ, Thank you.
दीदी हाँ? बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। आज मेरा व्रत है। व्रत? आज तो बुधवार है, इससे पहले बुधवार को तो तुमने व्रत नहीं रखा था। तू खा ले। हाँ बन जा, फिर कमाने की सोचना, ऐसा कभी नहीं करना बबलू। अब तो स्कूल जा, मैं भी बाहर होकर आती हूँ। लाला, घर में खाने का एक दाना नहीं है, थोड़ा सा सामान उधार दे दो। अरे थोड़ा सा उधार क्यों, अरे तू चाहे तो ये लाला पूरे का पूरा तेरे पास गिरवी रहने के लिए तैयार है। बस बोल ना, तुझे शर्म आती है? चले मैं आंखें बंद कर लेता हूं, अब बोल ना। साफ कर दिया? हाँ साहब। शाबाश।
बात हो ना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, स्कूल भी गया था, जूते भी पॉलिश नहीं किए, सिर्फ दो गाड़ियाँ धोती और जो पैसे मिले उससे। दीदी नाराज तो नहीं हो ना? के कातिल को ढूंढने में अपन इतना उलझ गया था कि शंकर, जिम्मेदार तो हमारी तकदीर है और जिनके सहारे टूट जाते हैं उन पर तो मुसीबतें आ ही जाती हैं। सोचती हूँ कहीं नौकरी कर लूँ। ऐसा कभी मत सोचना, अपन है ना। मगर तुम इस तरह कब तक, और फिर लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़, अपन को वापस आ जाने दे, फिर बैठ कर ये फैसला भी कर लेंगे। आज अपने सेठ धर्मदास का मरीज लेकर गोवा जाने। मगर साहब ये तो पेट से है। ये हमारी फैक्ट्री की बहुत पुरानी वर्कर है, शादी के 15 साल के बाद इस बेचारी की गोद भरने वाली है और इसका अरमान था कि पहला बच्चा इसकी माँ के घर में हो। अच्छा, मगर साहब ये हालत में गोवा ले जाना होगा, वो भी इतनी दूर? गोवा कोई दूर थोड़े ही है, 12-15 घंटे का रास्ता है, सुबह तक पहुँच जाओगे। क्या हुआ ड्राइवर साहब, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? वो क्या है कि इंजन गर्म हो गया है। ओ भाई, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? तेरा ये पेट ऊपर का नीचू कैसे हो गया? शराब में कोकीन मिलाओ तो नशा कुछ और बढ़ जाता। क्या बकवास कर रहे हो? अब अपुन के समझ में आ गया है कि आपने अपने को एम्बुलेंस क्यों दिया। जनता की सेवा के लिए नहीं, खुद की सेवा के लिए। बंद करो ये बकवास, मैं एक लीडर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सबूत मैं? सबूत होता तो आज शंकर के साथ पुलिस भी यहाँ होती। खामोश, मैंने तुम्हें जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस दी थी और तुम? नहीं सेठ, ये चाबी सेवा और धर्म की नहीं बल्कि आपके काले कर्म की है। और हाँ, एक बात याद रखना, ये सड़क छाप पब्लिक में आपके ऊपर ऐसा छाप लगाएगा कि इलेक्शन के टाइम पर आपके नाम के ऊपर कोई छाप नहीं लगाएगा। कुत्ता जब पागल हो जाए तो मालूम है ना उसका क्या किया जाता है।
हमारा बर्फ का ही नहीं मौत का भी कारखाना है। जब किसी शरीफ का खून हद से ज्यादा गर्म होने लगता है तो हम उसे इन्हीं बर्फ की दीवारों में ठंडा करके समंदर में बहा देते हैं। एक बार आजाद करके तो देख, फिर देखते हैं कौन किसको समंदर में फेंकता है कमीना है। शेर को आजाद कर दूं, पागल हूं क्या? तू अपनी माशूका की मां के कातिल को जानना चाहता है ना? मैं तुझे उसी के पास अभी भेज देता हूं, उसे से पूछ लेना। शेर को बांध रस्सी से। खून के कतरे मौत की निशानी होते हैं और हम कोई भी निशान नहीं छोड़ते। ये शेर तो चूहे की मौत मर गया। छोड़ दो इसे, ले जाओ और उस बुढ़िया की तरह इसे भी जमा दो बर्फ की दीवारों में।
खून? क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? बोल ना। उनको छुड़वाने आई। अरे अरे, किसको नहीं छोड़ेगा? बोल ना बेटे, पागल जैसी क्या बात कर रहा है, किसको नहीं छोड़ेगा? अरे शंकर बेटे, शंकर बेटे, मेरे रमैया को सीधे रास्ते पर लाने के बाद तू ही गलत रास्ते जा रहा है। नहीं आई। बोल ना बेटे। उन कमीनों को सीधा करने के लिए कभी कभी टेढ़ा बनना पड़ता है। नहीं नहीं बेटा, अरे बेड़े आसनों को बोल, बदला खून खराबा, ये बातें अच्छी नहीं होती है बेटा। इसे इसे कुछ नहीं मिलता है, सबका मालिक सेवा ही होता है। अरे नहीं आए, नहीं, सबका नहीं, सिर्फ अमीरों का मालिक है ये देवा, हम गरीबों का मालिक नहीं है आए। अगर अगर अपन का देवा होता ना, तो अपन को बचपन में अनाथ नहीं करता आई। बचपन में अपन के माथे के ऊपर एक खूनी के बेटे का छाप नहीं लगाता आई, अपन को प्यार के लिए नहीं तरसाता आई। जब अपन का बाप मिलेगा ना, तो अपन पूछेगा उससे कि काय को इतना बड़ा पाप किया था अपन के साथ, काय को किया था। जुर्म का यही एक गवाह है, ले जाओ इसे और बेहोश करके डाल दो रेलवे लाइन पर। जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे कौन लगते हैं ये आपके? क्या रिश्ता है आपका इनसे? सब वही रिश्ता है जो कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है। वेरी गुड। सब? हाँ? लगता है इनका कोई है नहीं। ये दवा की? नहीं नहीं, ये रहने दीजिए, ये सरकारी दवाखाना है, यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा। क्या? और आपके साथ गलत ताल्लुक रखने के लिए नींद की गोलियाँ उसी ने दूध में मिलाई थी। इतना ही नहीं, इस घर में जो नर्स है वो नर्स नहीं है, वो आपके अंकल के साथ गंदे तालुकात रखने वाली एक गंदी औरत है। क्या बकवास करती हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मार डालना बेबी, मगर आप बंगले के उस हिस्से में जाके देखिए जहाँ आपके अंकल हमेशा जाने के लिए मना करते हैं। जानते हो, उस आदमी का बच निकलना हमारे सर पर लटकती हुई एक तलवार है जो कभी भी हमारी गर्दन काट सकती है। वो आदमी हमारे किए हुए गुनाहों का सबूत भी है और गवाह भी। आप परेशान मत होइए सर, हम उसे पकड़ कर खत्म कर डालेंगे। तुम नहीं जानते जय किशन, वो बूढ़ा हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन सड़क छाप का बाप है। क्या? जेल की सलाखें तोड़कर वो हमसे बदला लेने आया था। और वो सड़क छाप भी हमारे हाथों से बचकर निकल गया। अगर ये दोनों बाप बेटे आपस में मिल गए तो, और तुम एक मामूली से बुड्ढे का खात्मा नहीं कर सके। सर वो शट अप। डार्लिंग, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? वो सड़क यहाँ क्यों आई? तुम्हें बंगले के इस हिस्से में आने के लिए मना किया था ना? हाँ, शायद मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है।
जबकि असलियत जानकर मैं खुद अपनी नजरों से इतनी नीचे गिर गई हूँ। बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। मैंने आज तक आपको एक देवता और महान इंसान समझा, लेकिन आज आज आपने खुद अपने हाथों से उस महान इंसान की तस्वीर तोड़ दी। नताशा, हमें इतना मजबूर ना करो कि हम। मजबूर तो आज आपने हमें कर दिया है, क्योंकि आप शंकर और उसके डैडी को मारना चाहते हैं और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम शंकर को बचाओगी? हाँ अंकल, चाहे मेरी जान भी चली जाए मगर शंकर पर मैं आज भी नहीं आने दूंगी। मोहब्बत के जोश ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है कि तुम अपने अंकल से टक्कर लो। रोमी, ले जाओ इसे और बंद कर दो ऐसी जगह पर जहां इसकी आवाज ना दुनिया वालों तक पहुंच सके और ना ही कानून तक। तब तक मामला अपने आप संभल जाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो। शंकर, शंकर तुम्हारे पिताजी की खबर मिल गई। अब उनका पिताजी? हाँ, उनकी जान खतरे में है शंकर। क्या बोल रही तू? वो नताशा की अंकल है ना, वो उनकी जान लेना चाहते हैं। इसे पूछिए, ये सब जानती है। हाँ, नताशा को सब मालूम है, इसलिए उसके अंकल ने उसे कहीं कैद कर दिया है। कहाँ? वो रोमी की बहन जूली जानती है। जूली? माफ कीजिएगा बहन। Excuse me. This way, please. चलो। चुपचाप चलो। Thank you.
मार डालेंगे? किसको मार डालेंगे? अंकल, तुम्हारे डैडी के दुश्मन है। डैडी का दुश्मन? क्या बोलना चाहती तू? वो उन लोगों ने तुम्हारे डैडी को रेलवे लाइन पे फेंक दिया है। चलो चलो, बंद करो दरवाजा। कहाँ ले जाना है, पहुंचा दो ठिकाने पे। चलो गाड़ी निकालो। एक मिनट रुको। एम्बुलेंस आ रहा है। अबे है, कान में खापूस डाल रखा है क्या? हटा इनको। ये लोग ऐसा मानने वाला नहीं। हट हट हट। अबे हटा अपने इन भेड़ बकरियों को। ए, सुनता नहीं क्या? अरे तेरे से बात कर रहा हूँ, हटा अपने जानवरों को यहाँ से। जानवर ही हटाने को आया है, मगर चार पैर के नहीं, दो पैर के। गया जी, मैं चला के आ गया। वो सड़क छाप कहाँ है?
सड़क छाप? शंकर। ओ भड़क छाप, वो तो नाना वाड़ी हॉस्पिटल उतर गया और उसने मुझे बोला कि एम्बुलेंस लेके तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन चले जाओ। साहब साहब अंदर तो कोई भी नहीं है। अंदर कोई नहीं है? नहीं। तो वो कहाँ गया? मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, शंकर के पिता को बचा ले। बचपन में ही मेरे पिता मुझसे छीन गए, उसके बाद माँ छीन गई, अब तो शंकर ही मेरा सब कुछ है। उसके पिता को बचा ले, आज बरसों बाद उसे अपने पिता मिले हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शंकर की जिंदगी में तूफान आ जाएगा, मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। उन्हें बचा ले माँ। क्या आईना वक्त ने मुझको दिखला दिया, अपनी ही नजरों से मैं आज तो गिर गया। मंजूर है इस जुर्म की मुझको मिले जो सजा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया, मेरे बीवी के मौत के जिम्मेदार हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, 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 तुमने मुझे पिताजी कहा? मैं आपका बेटा हूं शंकर। मेरा बेटा शंकर? शंकर मेरा बेटा, मेरा बेटा शंकर, मेरा बेटा शंकर, मेरा बेटा शंकर। शंकर बेटे, मैं तेरे लिए तड़पता रहा, मैं हमेशा चिलर साहब से पूछता रहा मेरा बेटा कहाँ है, मेरा शंकर कहाँ है, लेकिन बेटा किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। लेकिन बेटे आज तकदीर ने हम दोनों को फिर से मिला दिया। मगर बेटे दुख तो सिर्फ इस बात का है, मैं तुझे अपने गोद में वो बचपन नहीं दे सका, वो बचपन नहीं दे सका। तो अपन को है पिताजी, क्या उन्हें आज तक अपने आप को खूनी का बेटा समझा, एक बेकसूर को कसूरवार समझा? अब उनको माफ कर दो पिताजी। नहीं बेटे, ये सब तकदीर के फैसले हैं। सारी कहानी समझ में आ गया पिताजी, अब उन कमीनों को छोड़ेगा नहीं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डायरी, कोई पेपर। यही है ना वो डायरी? सड़क छाप सर के बच्चे, किसी तरह वो डायरी नताशा के पास है, वापस ले गया हो। Come on.
मेरे फूलझड़ी, आज तेरी खूबसूरती के सारे फूल झड़ जाएंगे। मैंने तुझे सूंघने की बहुत कोशिश की, कभी दूध में नींद की गोलियां मिला के और कभी बिजली का फ्यूज उड़ा के, मगर तू हमेशा ही उड़ गई। मगर आज मैं तुझे बर्बाद करके तेरे अंकल से भी इनाम लूंगा और तुझसे भी। देना देना इनाम। किसने मारा तुम्हें? रोमी, रोमी। ए छोटू, जा डॉक्टर को लेके। मुझे माफ करना शंकर, अनजाने में मैं तुम दोनों के बीच आ गई। मुझे माफ करना बहन। नहीं नहीं नताशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू फिक्र मत कर नताशा। मैं शंकर, मैं उन पापों की परछाई हूँ जिनके वजह से तुम्हारा घर जल गया था। ये सब मेरे अंकल के किए हुए पापों का फल है शंकर। नहीं नताशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी डैडी की बेगुनाही, मेरे अंकल तुम्हारे लिए क्या? डायरी। ये नताशा। डायरी। हाँ मैं जानता हूँ नताशा। डायरी। हाँ नताशा। सर, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सड़क छाप। एमपी साहब ने तुम्हें जेल जाने से बचाया और तुमने उन्हीं की भतीजी का खून कर दिया। अरे साहब, ये खून अपन ने नहीं खेला है। क्यों इल्जाम लगा रहे हो इंस्पेक्टर? खामोश, मैं तुम्हें नताशा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। अब उन बोल रहे हैं अपन ये खून नहीं किया, कायको गिरफ्तार करेगा। देखती हूँ कैसे गिरफ्तार करते हो शंकर को। खामोश, हट जाओ मेरे नाथ। कबूल कर तूने खून किया है, कबूल कर। मैंने खून नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे। अजय, जनता की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा जी, नमस्ते। आओ बैठो। सर आप तो जानते हैं 14 तारीख और मैं। ओ यस यस, शाम को मुझे फोन जरूर करना। ए ड्राइवर, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इतनी जल्दी मैं तुझे शमशान घाट नहीं ले जाऊंगा सेठ धर्मदास। सड़क छाप? हाँ मैं, और मुझे सड़क छाप बनाने वाला है तू। अभी बताता हूँ तुझे। घोड़ा इधर है,
और तू थोड़े देर में किधर होगा ये तो टाइम ही बताएगा। उनके बाप के जिंदगी बर्बाद की है तूने धर्मदास। अपुन का बाप 14 साल तक जेल में सड़ता रहा, तेरी वजह से अपुन की मां मरी। अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। अपुन का बाप के ऊपर लगेला खून का इल्जाम थोने से पहले अपुन तेरे को नहीं मारेगा। क्या ले रहे हो? 14 साल के एक एक दिन का बदला लूंगा, एक एक मिनट तेरे लिए एक एक साल से भी भारी कर दूंगा। दासी आप यहाँ इस हालत में? मेरी फिक्र मत करो इंस्पेक्टर साहब, सड़क छाप पकड़ो उसे। वो सड़क छाप चलो ड्राइवर पीछे करो। फिर भाग गया। बेहरो उस दिन तूने मरने का रिहर्सल किया था, आज तुझे असल में मारूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जयकिशन तो उसी दिन मर गया था। मैं तो उसकी आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा दूंगा अगर तूने ये नहीं बताया कि पिमला मौसी रूप किसने मारा था। बोल, बोल। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। उस दिन बिमला जब एडवांस मांगने आई तो उसने फैक्ट्री में कोकीन देख ली, तो हमने उसे मारकर गोगा की बर्फ की फैक्ट्री में जमा दिया, फिर बिल्ला से उसे समुद्र में फिकवा दिया। अपुन ने तो समझा था कि तुम लोग अलग अलग गटर का कचरा है, मगर तुम तो एक ही गटर का कचरा निकला। अब ये बता कि वो बर्फ की फैक्ट्री वाला कचरा किधर है? बोल वरना मुंडी के ढक्कन उड़ा दूंगा साले। आज 14 जनवरी है ना, वो हर साल की तरह आज अपनी बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान गया होगा। हेलो धर्मदास जी, मैं आपको एक खास इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सड़क छाप के बारे में? सड़क छाप जी नहीं, जूली और जयकिशन के बारे में। क्यों, क्या हुआ उनको? वो दोनों हम लोगों से अलग हो गए हैं और बहुत जल्द पुलिस में हमारे खिलाफ बयान देने वाले हैं। कहाँ है वो इस वक्त? वो हमारे 32 नंबर बंगले पे। जयकिशन दानी, ये बुड्ढा हम दोनों के बीच में दीवार की तरह खड़ा है। अरे बहुत जल्द ये धर्मदास सड़क छाप के हाथों मरने वाला है। अब तुम आओ और करीब आओ। मुझे डर लगता है अगर किसी ने देख लिया तो। यहाँ अंधेरा है, हमारा साया भी हमें नहीं देख सकता। आओ। डार्लिंग, अब हमें धर्मदास का साथ छोड़ देना चाहिए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सर धर्मदास, अपन चाहे तो तेरे को अब भी गिरफ्तार करवा सकता है, मगर नहीं। याद है अपन ने तेरे को गाड़ी में क्या बोला था? अपन ने बोला था कि अपन के बाप का जेल में 14 साल जो गया उसका एक एक दिन का बदला लेगा। पत्रा नंबर 2। हेलो शंकर, तुम शंकर ही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं आहिस्ता ही बोल रही हूँ।
स्नाइपर के पास। अच्छा अच्छा, मैं मौका देखकर आऊंगी। लेकिन मैं दूर से तुम्हें पहचानूंगी कैसे? हाँ, लाल जैकेट, लाल, तुम लाल जैकेट पहन कर आओगे? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मैं चुपचाप आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लाल जैकेट ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा चलो मेरे साथ। नहीं चलो। अरे क्या अंधा हो गया, क्या दिखता नहीं क्या थोपड़े में? ए नाक का को फुगा रहे, क्या लड़ने का? क्या है, क्या लड़ेगा? क्या लड़ने का है? डिसाइड कर लिया? ले एक मिनट पकड़, एक मिनट पकड़, मैं अब भी मेरा मसल दिखाता हूँ। कुत्ते को कुत्ता दे गया, कुत्ता तेरा बाप। उसने सुन लिया कि तुम लाल जैकेट पहनकर आने वाले हो, वो बस आते ही होंगे। शिकारी लोग आ गए। कहाँ है? यहां तो कोई भी दिखाई नहीं देता। सर वो रहा सड़क साहब, वही है। मार दो इसे, ये नहीं करो। अंदर चला गया। विमला मौसी की मौत का बदला तो लेकर रहूंगा और सब मामला फिर टुस करूंगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाएगा तो डेफिनेट मरेगा, जाएगा तो शायद मरेगा। हो सकता है वो लोग तेरे को पहचान ले और तू बच जाए। ढूंढ डालो इसे। मर गया साला। बोला था ना सेठ कि तुम्हारा एक एक दिन एक एक साल के माफक भारी होगा और तुम खुद अपने गुनाह कबूल करोगे। होकर एक लड़की और एक बच्चे को नहीं पढ़ सकते तुम लोग? तुम उधर, तुम लोग उधर, तुम उधर।
जाओगी कहाँ? छोड़ दे मेरी दीदी को, छोड़ मेरी दीदी को, छोड़ दे 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 मेर
विमला मौसी की मौत का जिम्मेदार तू ही है सेठ धर्मदास। कहां हो तुम? ए सामने आओ। वहीच मौत मरने के वास्ते तेरी तकदीर तुझे यहां ले आई है। बोला था अपन एक दिन सब फिटस करूंगा, आज वही दिन आ गया है सेठ धर्मदास। ए तू सामने तो आ। आज तेरा भांडा फोड़ के रहूंगा सेठ। ये कबूल करवा के रहूंगा कि सेठ जानकी दास और उसकी बीवी का खून तूने किया है और अब उनका बाप बेकसूर है। और ये भी साबित कराऊंगा कि तेरी वजह से अपन की मां मरी है और तेरे ही वजह से अपन सड़क छाप बना है। मैं मुजरिम हूं। 14 साल पहले जानकी दास का खून मैंने ही किया था। और इंस्पेक्टर मोरे? इंस्पेक्टर मोरे मेरा ही आदमी है। इंस्पेक्टर मोरे, रिश्वतखोरी और मुजरिमों का साथ देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तुम जैसे गद्दार ही अपनी वर्दी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। शंकर बेटे, बेटे काश आज तुम्हारी मां जिंदा होती, आज उनके दिल को जरूर शांति मिलती कि उनका पति मुजरिम नहीं बेकसूर है। अरे पहली पहली बार आंखें जब हो चार, पहली पहली बार आंखें जब हो चार, होता है जवानी में ये यार मेरे प्यार हुआ प्यार कर।